जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई एक स्लैशर फिल्म ऑपरेशन मे फेयर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और इस फिल्म में जो मेन एक्टर हैं वो जिमी शेरगिल हैं, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने घर में डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पे एक हुडी पहने हुए कातिल उसके घर में दाखिल हो जाता है। उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे, और वो लेडी उससे ऐसा ना करने के लिए कहती है। तभी वो लेडी उसकी बात मान के कपड़े उतार देती है, और उसके बाद वो बंदा हंटर निकालता है जिससे वो उसके पीठ पे कोड़े बरसाता है, जिससे उस लेडी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो कातिल एक पन्नी को अपने मुंह पे बांध लेता है और उसे कहता है कि वो उसे गाली दे। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि वो लेडी गाली दे के किसी को मारा करती थी, और वो कातिल उससे कहता है कि जो वो गाली दे रही है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कह के वो उसकी गर्दन मोड़ देता है जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है, और उसके बाद वो उसकी एक उंगली चाकू से काट के एक बोतल में रख लेता है। उसके बाद वो कातिल वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा लोनली है, जैसा कोई भी दोस्त यार नहीं है, और वो लंदन में अकेला रहता है। अगली सुबह पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है और छानबीन करने लगती है, और हम यहाँ पे एक इंडियन डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि इस केस पर काम करने वाली थी। जिस लेडी की मौत हुई होती है उसका नाम जारा होता है, और इंस्पेक्टर का चीफ उससे कहता है कि वो जल्दी से इस केस को सॉल्व करे। चीफ उससे कहता है कि एक हाई प्रोफाइल केस है और इसे सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए उन्हें एक बहुत ही होनहार बंदा चाहिए होगा। वो डिटेक्टिव अपने चीफ से कहती है कि ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, डिटेक्टिव अमर, जो कि बहुत ही ज्यादा होनहार है। और दोस्तों, डिटेक्टिव अमर कोई और नहीं बल्कि जिमी शेरगिल ही है। और दोस्तों, फिर हमें डिटेक्टिव अमर दिखाया जाता है जो कि बहुत दिनों से गायब था और वो केस पे काम नहीं कर रहा था। उसकी बात सुनकर चीफ अमर को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है। तो अमर उसे बताता है कि तानिया और अनिष्का बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद वो उसे उस क्राइम सीन की फोटोज भिजवाता है और उसे कहता है कि उसे ये केस सॉल्व करना होगा। अमर जब उन फोटोज को देखता है तो वो फोटोज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, और चीफ उससे कहता है कि जारा एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, और अगर उसकी मौत की खबर पब्लिक में जाएगी तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना होगा ताकि वो लोग कोई एक्शन ना ले पाए। ये सुनकर अमर उससे कहता है कि पिछले केस में वो ढंग से काम नहीं कर पाया था, पर इस केस को वो सॉल्व करने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करेगा। उसके बाद अमर अपने घर पे जाता है जहाँ सारा की मौत की खबर आ रही थी। वो अपनी बीवी से कॉफी मंगाता है और न्यूज देखने लगता है, जहाँ पे चीफ इंटरव्यू देते वक्त कहता है कि उनके पास अभी कोई लीड नहीं है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि ये रियल किलर है या कोई कॉपीकैट किलर। तभी अमर की बेटी तनिष्का वहां पर आती है जो कि अपने साथ एक बेल लेकर आई थी, और वो उसे उसके ऑफिस के दरवाजे पे लगा देती है। अमर उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो उसके ऑफिस में बिल्कुल ना जाए। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि अब उनकी लड़की बड़ी हो गई है तो वो उसे इस तरह डांटा बिल्कुल ना करे। उसके बाद अमर अपने ऑफिस में जाता है और उस केस फाइल्स को देखने लगता है, जहां पे उसे पता चलता है कि जिस पैटर्न में पिछला मर्डर हुआ था ये मर्डर भी सेम पैटर्न में हुआ है। वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताने की कोशिश करता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो केस पे काम करना बंद कर दे, इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो केस में बहुत ज्यादा घुस जाता है। उसके बाद हमें वो कातिल दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रहा होता है, और वो अपने बचपन की बात याद करता है जब वो अपने पिता के साथ वक्त बिताया करता था। उसके पिता ने उसे शेक्सपियर की एक पंक्ति बताई कि जो भी घटनाएं उसके पास्ट में उसके साथ होंगी वही सेम घटनाएं फ्यूचर में भी उसके साथ होने वाली हैं। अगली सुबह वो कातिल अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी बीवी और बच्चा रहा करते थे। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है, और उसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ पे वो उसके लिए पोयम पढ़ता है। दोस्तों, उस कातिल का नाम केविन होता है जिसकी एक फैमिली भी थी, लेकिन ये मेंटली स्टेबल बिल्कुल नहीं था। रात को जब ये बेडरूम में होता है तो इसे जारा की बातें याद आती हैं कि कैसे वो उसे गाली देकर बोला करती थी। उसकी बीवी जब उसकी हालत देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो रहा है, लेकिन केविन उसे डांट के कहता है कि वो सो जाए और एक भी शब्द ना बोले। अगले दिन हमारे उस अंडरकवर ऑफिस में पहुंचता है जहां से उस केस पे काम चल रहा था, और चीफ जब उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चीफ उस पूरी टीम को बताता है कि डिटेक्टिव लीजा इस केस को हैंडल करेगी, और साथ ही में अमर भी इस केस पे काम करने वाला है। उनका साथ देगी सोनिया कपूर जो कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। मीटिंग के बाद अमर चीफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि लीजा कभी उसकी जूनियर हुआ करती थी तो वो उसके नीचे कैसे काम कर सकता है। चीफ उससे कहता है कि उसे ऑफिस छोड़े हुए कई साल हो गए हैं और अब वो उनका आदमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे काम पे रख रहे हैं। ये वो जानते हैं कि वो होनहार है और वो किलर को जरूर पकड़ लेगा। लीजा सबको बताती है कि इस ऑपरेशन का नाम वो लोग ऑपरेशन मे फेयर रखेंगे, और किसी भी हालत में उन्हें उस कातिल को पकड़ना ही होगा। तभी वहां पे केविन आता है जो कि उनका साथ देने वाला था इस केस में, और लीजा सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। वो बताती है कि ये लीड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है जो कि इस केस में उनका साथ देगा। दोस्तों, इन सबको ये बात पता नहीं थी कि केविन जो इस केस पे काम कर रहा था वही कातिल है।
और वो ये बात कैसे पता लगा पाते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद लीजा अमर से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई कॉमन पैटर्न है, तो अमर उसे बताता है कि जिस भी औरतों का कत्ल हुआ है वो सभी 25 से 35 साल की औरतें हैं, यानी वो कातिल जवान लड़कियों को ही टारगेट करता है। कुछ देर बाद अमर सोनिया से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है, जहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि पहले वो रिलेशनशिप में रह चुके थे, लेकिन अमर एक केस को सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि सोनिया ने रिपोर्ट्स में लिख दिया था कि वो मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए अमर को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। अब 2 साल बाद वो दोनों मिल रहे थे और एक दूसरे को देखकर वो बहुत ही खुश थे। अगली सुबह जब वो सभी काम पर आते हैं तो वो किलर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहां अमर बताता है कि जो किलर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल होते हैं और उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता है और वो पागलों की तरह बर्ताव करते हैं। ये बात सुन के केविन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाता और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अमर उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, तो केविन उससे कहता है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही इसीलिए उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया। उसके बाद केविन उससे पूछता है कि आखिर इन लड़कियों की फोटोज देखकर उसे क्या लगता है, तो अमर उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो कातिल लेफ्ट हैंडेड है, उसने जो स्टैबिंग करी है उसका एंगल बिल्कुल लेफ्ट हैंडेड जैसा ही है। केविन इसे उनके समझ जाता है कि अमर बहुत ही ज्यादा शातिर है, इसीलिए वो सारी चीजें राइट हैंड से करना शुरू कर देता है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। उसके बाद केविन जब अपने घर में होता है तो वो अपने बचपन की बात याद कर रहा होता है, जब एक लेडी उसे चिल्ला चिल्ला के गाली दिया करती थी और उसे मारा पीटा करती थी। इससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पूरे शरीर पे पन्नी बांध लेता है और उसके बाद वो हुडी पहन के निकल जाता है अगला शिकार करने के लिए। उसके बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि उसके सामने डांस करती है और फिर वो अपने सर पे पन्नी बांध लेता है और उससे कहता है कि वो उस पे गुस्सा करके उसे गालियां दे। ये सुनके वो प्रोस्टिट्यूट ठीक ऐसा ही करने लगती है, जिससे उसे वही लेडी याद आती है जो बचपन में उसे मारा पीटा करती थी। इस वजह से वो उस प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरह मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह अमर जब काम पे आता है तो सोनिया उसके लिए उसका मनपसंद केक बना कर लाती है, जिसे खाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे कहता है कि उसे अब तक याद है कि उसे ये केक पसंद है, तो सोनिया उससे कहती है कि लड़की कभी भी कुछ नहीं भूलती। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तानिया को उनके बारे में पता है, तो अमर इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एक इंस्पेक्टर वहां पर आता है और उन्हें नए मर्डर के बारे में बताता है। लिसा जब वहां पे पहुंचती है तो वो केविन को देखती है जो कि उस लाश के पास बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ मिला, तो केविन उससे कहता है कि उसे यहाँ पे कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है। तभी अमर क्राइम सीन पे पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और केविन उसे बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। अमर को वहां पे एक स्पीकर मिलता है जिसे उठाकर वो अपने ऑफिस में ले आता है और उसके बाद वो एलेक्सा से कहता है कि वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को सुनाए, लेकिन एलेक्सा के पास कोई कनेक्शन नहीं होता जिससे वो उसे वो नहीं सुना पाती। ये देख के लीजा अमर से कहती है कि एलेक्सा केस कैसे सॉल्व कर सकती है, तो अमर उससे कहता है कि ये तब तक ऑन थी जब तक वो मर्डर नहीं हुआ था, तो इसने जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया ही होगा। इसी बात पे उन दोनों की झड़प हो जाती है और अमर वहां से चला जाता है। रात को जब केविन सो रहा होता है तो वो उसी लेडी को इमेजिन करता है जो कि उसे गाली दे रही होती है, तो वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो अपनी बीवी का गला दबा रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो वॉशरूम में जाके नहाने लगता है। अगले दिन होम मिनिस्टर चीफ और उसकी टीम को बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। चीफ उन्हें बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए और चिंता ना करें, वो बहुत जल्द इसे सॉल्व भी कर देंगे। इधर केविन की बीवी सोनिया को फोन करती है और उसे झूठ बोलती है कि उसे बहुत चीजें हेलुसिनेट हो रही हैं और उसे लगता है कि शायद वो किसी को जान से मार देगी। सोनिया उससे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे जल्द से जल्द मेडिकेशन की जरूरत है, वरना वो दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। उसकी बीवी यहाँ पे ये नहीं बताती कि केविन को ये सारे सिम्टम्स हैं, वो अपने आप को बता के उसका सोल्यूशन ले लेती है। इधर पुलिस काम पे लग जाती है और वो हर एक सस्पेक्ट को पकड़ती है जिन पे भी उन्हें शक होता है, लेकिन जब उनसे पूछताछ करी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी उनमें से कातिल है ही नहीं। अब ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं और पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लग पा रहा था। कुछ दिनों बाद केविन ऑफिस के सिस्टम से एक ऐसे क्रिमिनल को सर्च करता है जो कि अब जेल से छूट चुका था, लेकिन पहले भी उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे। उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उस कातिल के पास जाता है और उसे जान से मार देता है और उसके बाद वो सीन को ऐसा पिक्चराइज करता है जैसे उसने खुद को मारा हो। वो उसके फोन में एक नोट छोड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि उसने ही वो लड़कियों को मारा है और अब वो गिल्टी फील कर रहा है, इसीलिए उसने अपने आप को मार लिया। जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और लीसा अमर को वहां पे बुलाती है ताकि वो छानबीन कर सके। अमर लीसा से पूछता है कि इस लाश को किसने ढूंढा, तो वो बताती है कि सामने बंदे से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो उसे वो बंदा दिखाती है। वो बंदा उन्हें बताता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान था और वो उसके साथ रोज कॉफी पिया करता था, उसे नहीं लगता कि वो सारे मर्डर्स इसी ने किए होंगे। उसके बाद अमर केविन के पास जाता है और उससे पूछता है कि इसके आसपास उसे क्या कुछ मिला, तो वो उसे उस बंदे का फोन देता है और उसे कहता है कि यहाँ पे उसे सिर्फ उसका फोन ही मिला। तभी अमर केविन की तरफ फोन फेंकता है और वो लेफ्ट हैंड से उसे कैच करता है और ये देखकर अमर केविन से कहता है कि वो बहुत ही अच्छा कैच करता है। अमर उसे बताता है कि ये बंदा फोन यूज करता ही नहीं था, क्योंकि उसका फोन बिल्कुल नया है और उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं है। शाम को लीसा और चीफ अमर को वो नोटिस दिखाते हैं जहाँ पे उस बंदे ने लिखा था कि वो सारे मर्डर्स उसने ही किए हैं, लेकिन अमर उनसे कहता है कि वो बंदा कातिल हो ही नहीं सकता।
सकता, क्योंकि ये बंदा एक लूजर था जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था, तो ये लड़की को कैसे मार सकता है। तभी केविन वहां पर आता है और उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाता है, जहां पे वो देखते हैं कि क्राइम सीन पे उस बंदे के ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। अमर को इससे भी यकीन नहीं होता है और वो चीफ और लीसा से कहता है कि हमें पता है कि कातिल लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन इस बंदे ने राइट हैंड से खुद को शूट किया है, जिससे साबित होता है कि ये कातिल हो ही नहीं सकता। उसके बाद अमर अपनी वाइफ से कॉल पे बात करता है, जहां उसकी बीवी उससे कहती है कि उसकी गट फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसे यकीन है कि वो कातिल को बहुत जल्द पकड़ लेगा। इधर केविन सोनिया के पास जाता है रूटीन चेकअप के लिए। सोनिया सभी टीम मेंबर्स का फ्री में रूटीन चेकअप कर रही थी। वो केविन को उंगली दिखा के उससे कहती है कि क्या तुम दूसरों की बहुत चिंता करते हो, और केविन जब वो देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे वही ओल्ड लेडी याद आने लगती है जो कि उंगली पॉइंट करके उसे गालियां देती थी। सोनिया ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हो रहा है, तो वो उसके सामने गाली दे देता है। सोनिया उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताती है कि बचपन में उसकी स्टेप मॉम भी उसे यही कहकर पुकारती थी। ये सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है और केविन तुरंत वहां से भाग निकलता है। केविन अपने घर जाता है और पियानो बजाने लगता है और फिर वो अपने बचपन की बात याद करता है, और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर वो ट्रॉमा में क्यों है। दरअसल उसके पिता ने दूसरी शादी करी थी और उसकी जो स्टेप मॉम थी वो उसे हमेशा मारा पीटा ही करती थी। उसके पिता को भी डांटती थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से वो ना रेंट और ना बिल दे पाते थे। उसकी माँ केविन को बहुत गाली दिया करती थी और उसे बेल्ट से मारती थी, इसलिए केविन को जब भी कोई उंगली पॉइंट करता है उसे उसकी माँ की याद आ जाती है, और तभी वो लड़कियों को मार के अपना बदला लेता है। फिर अमर से मिलने सोनिया उसके होटल में आती है, जहाँ वो उसे हग करती है तो अमर उसे धक्का दे देता है। उसे कहता है कि अब वो शादीशुदा है तो वो ये सब नहीं कर सकता। सोनिया उसे कहती है कि उसके साथ वक्त बिताना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसके पास आई है। अमर उससे कहता है कि उसका दिमाग हमेशा केस में ही लगा रहता है, इसी वजह से वो सबके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करने लगा है। दोपहर में अमर लीजा से मिलता है, जहाँ लीजा उसे रिपोर्ट्स देती है एलेक्सा की। उस रिपोर्ट्स में सारी बातें लिखी होती है जो कि उस कातिल और उस प्रोस्टिट्यूट के बीच हुई थी, और अमर उससे कहता है कि जरूर उस प्रोस्टिट्यूट को उस कातिल ने ही कहा होगा ये गालियां निकालने के लिए। उसके बाद लीजा उससे कहती है कि केविन ने उन सबके लिए पार्टी रखी हुई है, और ये सुनकर अमर वहां पे जाता है, जहां केविन से एक नींबू गिर जाता है तो वो नींबू उठा के उसे कैच कराता है, और इस बार केविन अपने राइट हैंड से उसे कैच करता है। अमर उससे कहता है कि उसका राइट हैंड भी बहुत ही अच्छा काम करता है, तो केविन उसे बताता है कि वो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है। पार्टी के बाद अमर लीसा को लेके अपने घर चला जाता है ताकि वो उसे अपनी वाइफ से मिलवा सके, और केविन एक बंदे से मिलता है और उसे अमर की सुपारी दे देता है ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटा सके। इधर केविन जब स्ट्रीट्स पे चल रहा होता है तो उसे दो बंदे नजर आते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो उस लड़की को बचा लेता है और वो लड़की खुश होकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। केविन उसके साथ बार में जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, उसे अपनी स्टेप मदर के विजन आने लगे थे। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। इधर अमर लीसा को लेके अपने घर पहुंच गया होता है और डिस्कस कर रहे होते हैं कि केविन और उसकी टीम को अब तक कोई भी क्लू कैसे नहीं मिल सकता। तभी वहां पे वो बंदा आ जाता है जो कि अमर को मारने के लिए आया था। वो अमर को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लीसा वहां पे आके उस बंदे को शूट करके मार डालती है। अमर लीसा से कहता है कि अब किलर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन पे नजर बनाए हुए है। तभी उसने उसके घर पे हमला करवाया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो उस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। वो उसे ये भी बताता है कि एलेक्सा की रिपोर्ट आई थी, उससे उसे पता चला है कि वो कातिल ट्रॉमा से गुजर रहा है, और वो लड़कियों को गाली देने के लिए बोलता है जो कि उसे किसी ट्रॉमा का याद दिलाता है, और फिर वो लड़कियों को मार देता है। कुछ देर बाद अमर एक लाइब्रेरी में जाता है और वहां पे पुराने केसेस के बारे में पढ़ने लगता है, लेकिन लाइब्रेरियन को कहीं जाना होता है जिसके लिए वो जल्दी लाइब्रेरी बंद करके चली जाती है, इसलिए अमर को भी वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि केविन की अभी नई दोस्त बनी थी, और उसने उसे घर पे इनवाइट किया हुआ था। ओलिविया की माँ जब काम पे जा रही होती है तो अपना टिफिन घर में ही भूल जाती है, और जब केविन उसे जाता हुआ देखता है तो वो अंदर आ जाता है, जहाँ वो ओलिविया से कहता है कि उन्हें अब मजे करने चाहिए। तभी ओलिविया को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है, और लेडी जब टिफिन लेकर वापस आती है तो उसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है। वो तुरंत वहां पे पुलिस को कॉल करती है और केविन ये सारी बातें सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है, लेकिन भागने से पहले उसने ओलिविया को जान से मार दिया था। जब पुलिस वहां पे आती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और लीसा देखती है कि इस बार कातिल ने अपने विक्टिम की उंगली नहीं काटी है। वो ओलिविया की माँ से पूछती है कि वो कैसा दिखता था, तो वो उसे बताती है कि उसने हुडी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाई। अमर केविन को कॉल करता है और उसे तुरंत वहां पे आने के लिए कहता है, और उसे कहता है कि उन्हें बहुत ही बढ़िया लीड मिल गई है। अमर जब केविन को बस से उतरता हुआ देखता है तो वो बस स्टॉप पे जाता है और वहां पे सारे बस नंबर चेक करने लगता है। उसके बाद वो केविन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई सबूत मिला, तो वो उससे कहता है कि अब तक उसे कोई भी सबूत नहीं मिला है। अमर लीसा को कहता है कि बस स्टॉप पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो किलर अगर बस से भागा होगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि बस के अंदर सीसीटीवी कैमराज अवेलेबल हैं। अगले दिन लीसा सारे सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां पे उसे हुडी पहना हुआ वो कातिल नजर आ जाता है। अमर जब वो देखता है तो वो कहता है कि जरूर यही कातिल है। उसके बाद अमर उस एरिया के एक बार में जाता है, जहां पे वो बारटेंडर से पूछता है कि रात को यहां पे कोई काला हुड पहने आया था, तो बंदा उससे कहता है कि यहां पे कोई सस्पिशियस बंदा आया जरूर था, लेकिन इसके बारे में उसे नहीं जेंडा को पता होगा, क्योंकि रात को इस बार में वही मौजूद थी। ये सुनकर
कुमार उसे जेंडा का एड्रेस देता है और उसके पास पहुंच जाता है और जेंडा उसे बताती है कि एक बंदा आया था जिसकी उसने तस्वीर ली थी और वो जब उसे फोटो दिखाती है तो उसे पता चलता है कि ये वही कातिल है। अगले दिन सोनी जब अमर के पास बैठी होती है तो वो उससे पूछती है कि एलेक्सा के ट्रांसक्रिप्ट में उसे क्या मिला, तो वो उसे बताता है कि उसमें रिकॉर्डिंग जिसमें बोला गया था यू आर मोरॉन। सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि केविन को इस वर्ड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछली बार जब वो उसके सेशन में आया था तो उसने कहा था कि उसकी स्टेप मदर उसे इस नाम से बुलाया करती थी। उसके बाद सोनिया और वो एक ऑर्फनेज में जाते हैं पूछताछ करने के लिए। इन्होंने ये बात पता थी कि केविन ही कातिल है लेकिन उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। उस ऑर्फनेज में जाके वो फादर से मिलते हैं जहाँ वो उसे एक इंडियन लड़के के बारे में पूछते हैं। फादर उसे कहता है कि जब उस लड़के के पिता की मौत हो गई थी तो उसकी स्टेप मॉम ने उसे उनके ऑर्फनेज में भेज दिया था। एक दिन जब टीचर उसे पढ़ा रही थी तो टीचर ने उसे मोरॉन कह दिया था, इसकी वजह से उसने एक पेंसिल से उसकी हत्या कर दी थी। अमर और सोनिया सुनकर समझ जाते हैं कि केविन ही कातिल है और अब उनके पास सबूत भी आ गया था। इधर लिसा केविन से कहती है कि अमर को लगता है कि रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है इसलिए उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा तो वो ऑफिसर को बुलाए, लेकिन केविन उससे कहता है कि रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो खामखा की इन्वेस्टिगेशन ना करे। उसके बाद केविन लिसा से कहता है कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले ताकि वो इस केस से रिलेटेड उसे एक एविडेंस दिखा सके। केविन उसे अपने अड्डे पे लेकर जाता है और लिसा वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो समझ जाती है कि वो कातिल का अड्डा है। इधर अमर और सोनिया जब कार में वापस जा रहे होते हैं तो अमर सोनिया से कहता है कि केविन पूरा साइको है, उसने पहले अपनी सौतेली माँ को मारा और फिर वो हर उस लड़की को मार रहा है जो कि उसकी माँ की तरह दिखती है। लिसा को कॉल करता है तो लिसा कॉल पिक करती है और वो उसे बताती है कि वो केविन के साथ है, लेकिन तभी केविन उसका फोन छीन लेता है और तभी लिसा के फोन पे उसका एक एम्प्लॉई एक फोटो भेजता है जहाँ उसे बताता है कि उस कातिल का चेहरा 100% मैच है केविन से, जिससे लिसा समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि केविन ही है। केविन लिसा को बंदी बना लेता है और उसे जान से मारने की प्लानिंग करता है और अमर अपने टीम से कहता है कि वो लिसा के नंबर को ट्रैक करे और उसे लोकेशन बताए ताकि वो वहां पे पहुंच सके। तभी अमर सोनिया के साथ वहां पर आ जाता है और केविन वहां से भाग निकलता है। अमर जब उसे भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो केविन को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आते हैं। केविन उनसे कहता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो छूट जाएगा क्योंकि वो अपने आप को कोर्ट में मेंटली इल साबित कर देगा जिससे उसे कुछ साल की सजा होगी और फिर वो आजाद हो जाएगा। केविन को 7 साल की जेल हो जाती है और जाते जाते वो अमर से कहता है कि ये केस भी वो ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि उसको सजा नहीं मिली वो 7 साल बाद आजाद हो जाएगा। उसके बाद अमर अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और सोनिया को कॉल करके कहता है कि अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सीरियल किलर थ्रिलर फिल्म है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लव एंगल डाल के कुछ अच्छा नहीं किया गया है। आपको इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।